Hi kids, welcome to your English class and I'm back with a new lesson of your book that is Literary Journeys, an English Reader for Class 8 by Brainroot Publications. And children, today we are going to start with lesson number 13, which is a beautiful poem, and the title of the poem is In the Bazaars of Hyderabad. Alright? हैव यू बीन टू शॉपिंग चिल्ड्रन? आप लोग शॉपिंग करने गए हैं या किसी मेले में गए हैं? जब आप शॉपिंग करने जाते हैं मार्केट में या मेले में जाते हैं तो आपको कई तरह की चीज़ें जो हैं अट्रैक्ट करती हैं, अलग अलग तरह की सजी हुई दुकानें हमें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं। आज हम सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई एक कविता के बारे में पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने हैदराबाद के बाज़ार की सुंदरता को बताया है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी टेल यू, सरोजिनी नायडू इज़ अ वेरी वेरी फेमस पोएट एंड शी इज़ ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगल ऑफ इंडिया। उनकी कविताओं की वजह से उनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। ये जो कविता है ये उन्होंने प्री इंडिपेंडेंस एरा में लिखी थी, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था उस दौर में उन्होंने ये कविता लिखी थी। और अपनी इस कविता के माध्यम से वो बेसिकली हमारे इंडियन ट्रेडिशनल चीज़ों को प्रमोट करना चाहती थी। तो आइए पढ़ते हैं इन द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद। इन दिस पोएम सरोजनी नायडू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ ट्रेडिशनल हैदराबादी बाज़ार्स। शी प्रेजेंटेड गोल्ड स्मिथ्स, फ्रूट मैन एंड फ्लावर गर्ल सेलिंग देयर गुड्स, ऑल हुम आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द परचेजेस who buy their articles from meticulous chaffering. Let's read the poem. So इस कहानी में उन्होंने हैदराबाद के बाज़ार्स की सुंदरता को दिखाया है, और जब वो हैदराबाद के बाज़ार में घूमने गई, जिन जिन लोगों को उन्होंने देखा, जो जो शॉपकीपर्स थे उनसे जब उन्होंने जो जो सवाल किए, उन्होंने जो जो उत्तर दिए, वो सब उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से हम सब तक पहुँचाया है। So let's get started. What do you sell, O ye merchants? Richly your wares are displayed, turbans of crimson and silver, tunics of purple brocade, mirrors with panels of amber, daggers with handles of jade. Now see children, there are many words that might be new for you. So we will study them one by one, line wise. What do you sell, O ye merchant? Hey vyapari, tum kya bech rahe ho? Haan? क्या है तुम्हारे पास? Richly your wares are displayed. तुम्हारा जो सामान है वो बड़े सुंदर तरीके से तुमने सजा के लगाया हुआ है अपनी दुकान पर। Wares का मतलब है products that are displayed for selling. Okay? Turbans of crimson and silver. Turban मतलब पगड़ी, ठीक है? Turban means पगड़ी। Silver color की और crimson yellow color की पगड़ियाँ सजी हुई हैं। ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड, ट्यूनिक मतलब पहले लोग जैकेट पहनते थे जो बहुत ही सुंदर बनारसी कपड़ों की बनी होती थी, जिसमें जरी का काम किया होता था, जिसे हम ब्रोकेड बोलते थे। तो वो बोल रही है कि ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड, पर्पल कलर की ट्यूनिक्स है जिस जो ब्रोकेड के मटीरियल से बनी हुई हैं। मिरर्स विद पैनल्स ऑफ अम्बर, और बड़े बड़े आलीशान शीशे हैं जिसमें सुंदर नक्काशी की गई है। Daggers with handle of jade. Daggers का मतलब है कटार, ओके? Daggers का मतलब है कटार, जिसके हैंडल जो है वो जेड से बना हुआ है। What do you weigh, O ye vendors? जो वेंडर्स हैं, जो लोग नाप रहे हैं, तोल रहे हैं सामान को, उनसे वो पूछ रही है, तुम क्या मेजर कर रहे हो, क्या तोल रहे हो? Saffron and lentil and rice. सैफ्रन का मतलब केसर, लेंटिल का मतलब दाल, और राइस का मतलब है चावल। तो वो पूछ रही है कि क्या मेजर कर रहे हो, केसर, दालें या चावल? व्हाट डू यू ग्राइंड, ओ ये मेडन्स? और वही दुकान के बाहर बैठी हुई जो औरतें हैं उनको बोल रही है, मेडन्स क्या ग्राइंड कर रही हो, व्हाट आर यू ग्राइंडिंग? कौन सी चीज़ों का मसाला बना रही हो? सैंडलवुड, हिना एंड स्पाइस, यानी चंदन का पाउडर, हिना यानी मेहंदी का पाउडर, और स्पाइस मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ मसालेज, ठीक है? अलग अलग तरह के मसाले। व्हाट डू यू कॉल, ओ ये पेडलर्स?
चेसमैन एंड आइवरी डाइस। अब जो पेडलर्स हैं, मतलब जो पैदल चल रहे हैं, फेरी करते हुए, अपने कंधों पे चीज़ें उठाते हुए, उनको पूछ रही है कि आप क्या बेच रहे हैं? चेस यानी शतरंज की जो गोटियां हैं वो बेच रहे हैं, या फिर आइवरी डाइस? आइवरी डाइस का मतलब है हाथी के जो दांत हैं उनको आइवरी बोलते हैं, और वो बहुत महंगे होते हैं, बेशकीमती होते हैं। उन दांतों से भी कई बार जो है खेलने के लिए पासे बनाए जाते हैं, शतरंज के जो खिलाड़ी हैं उनको बनाया जाता है, ठीक है। सो वो वही बोल रही है कि पेडलर्स तुम क्या बेच रहे हो, चेसमैन या फिर आइवरी डाइस? What do you make? Oh, ये goldsmith. अब goldsmith मतलब सुनार। वो पूछती है, अरे सुनार तुम क्या बना रहे हो? Wristlet and anklet and ring. Wristlet means हाथों में पहनने वाला कंगन, anklet means पायल, और ring का मतलब finger ring जो हम पहनते हैं। Bells for the fleet of blue pigeons, या फिर तुम pigeons यानी कबूतरों के लिए घंटियाँ बना रहे हो। Frail as a dragonfly's wings, girdles of gold for dancers. या फिर तुम जो dancers हैं अपने बालों में जो ornaments लगाएंगी, अपने सुंदर से बालों को जिस गहनों से सजाएंगी वो बना रहे हो। Scabbards of gold for the king. Scabbards of gold for the king means scabbard का मतलब होता है जब king युद्ध पे जाता है तो वो armor पहनता है ना, तो वो सोने का बना होता है, ठीक है, सिल्वर या सोने का बना होता है, गोल्ड या सिल्वर का। तब वो पूछ रहे क्या तुम स्कैबर्ड बना रहे हो राजा के लिए। व्हाट डू यू क्राई, ओ ये फ्रूटमेंट, और ये जो फलों के व्यापारी हो तुम क्या चिल्ला रहे हो, तब से क्या आवाज़ लगा रहे हो? सिट्रन, पोमोग्रेनेट एंड प्लम। तो फलों के व्यापारी के पास क्या क्या है? सिट्रन यानी नींबू, पोमोग्रेनेट यानी अनार, और प्लम यानी आलू बुखारा, ठीक है। व्हाट डू यू प्ले, ओ ये म्यूजिशियन, और फिर वो देखती है कि कहीं म्यूजिशियन एक कोने में बैठ के कुछ बजा रहे, तो वो पूछती है आप क्या क्या बजा रहे हो? सितार, सारंगी एंड ड्रम। सो सी, सितार, सारंगी एंड ड्रम। व्हाट डू यू चैंट, ओ म्यूजिशियन, स्पेल ऑफ एनियंस टू कम, और मैजिशियन तुम क्या बता रहे हो, तुम कोई भाग्य बता रहे हो या किसी का फ्यूचर बता रहे हो या कोई मैजिक कर रहे हो? व्हाट डू यू वीव, ओ ये फ्लावर गर्ल्स। अब वो अचानक देती है कि ये फूलों वाली जो लड़कियां हैं वो फूल से मालाएं बुन रही है, तो वो पूछ रही है क्या बना रही हो, क्या बुन रही हो? विथ टैसल्स ऑफ अज्यूर एंड रेड। टैसल्स ऑफ अज्यूर मीन्स रिबन्स के परांदे होते हैं जो बालों में गजरों के साथ लगते हैं, तो दैट इज़ टैसल्स ऑफ एज्यूर एंड रेड। एज्यूर एंड रेड इज़ बेसिकली द कलर ऑफ द टैसल। क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ अ ब्राइडग्रूम, यानी दूल्हे का सहरा तो नहीं बना रहे हो? चैपलेट्स टू गार्लैंड एंड हिज बेड, और या फिर उसकी वरमाला बना रही हो, या उसके बेड को सजाने के लिए फूलों की लड़ी बना रही हो? Sheets of white blossoms new garnered to perfume the sleep of the dead. या फिर तुम सफ़ेद फूलों की चादर बना रही हो जिससे जो डेड बॉडी है उसको सम्मान दिया जा सके, यानी जो मृत व्यक्ति है उसको श्रद्धांजलि दी जा सके इस सफ़ेद चादर को चढ़ा के। सो बेसिकली सरोजिनी नायडू ने इस कविता के माध्यम से हैदराबाद के बाज़ारों में जो अलग अलग वैरायटी की चीज़ें बिकती थी उस दौर में, उसको प्रमोट करने की कोशिश की है। वो हर एक दुकान पे जाती और उन लोगों से पूछती कि क्या क्या वैरायटी है तुम्हारे पास, और जो भी जब वो पूछती कि क्या है, तब वो लोग जो भी आंसर करते वो चीज़ें बताती, ठीक है। सो ऑल थिंग्स शी फाइंड्स, गोल्ड स्मिथ, शी फाइंड्स स्पाइस सेलर, शी फाइंड्स मर्चेंट, शी फाइंड्स म्यूजिशियंस, शी फाइंड्स मैजिशियंस, इवन शी फाइंड्स फ्रूट सेलर एंड गार्लेंड मेकर्स और फ्लावर गर्ल्स, ठीक है। तो उसने अलग अलग लोगों को देखा जो अलग अलग चीज़ें बेच रहे हैं, और सभी लोग जो चीज़ें बेच रहे हैं उसकी सुंदरता को उसने अपनी कविता में प्रस्तुत किया है। ऑल राइट, सो अ ब्यूटिफुल पोएम इंडीड रिटन बाई सरोजिनी नायडू, एंड एज आई टोल्ड यू दिस पोएट्री वॉज रिटन इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा वेन पीपल वर ट्राइंग टू प्रमोट इंडियन गुड्स एज मच एज पॉसिबल,
जब स्वदेशी अपनाओ विदेशी हटाओ का नारा लगाया जा रहा था, उस टाइम लोगों में ये भावना जगाना कि देश की चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि देश की इकोनॉमी या देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके, ब्रिटिशर्स के जो चीज़ें हैं उनको बहिष्कार कीजिए, उनका तिरस्कार कीजिए, ये चल रहा था उस वक्त सरोजिनी नायडू ने ये कविता लिखी थी। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द ग्लॉसरी। सो ग्लॉसरी वी हैव गिडल्स, गिडल्स मीन्स बेल्ट, डांसर्स जो बेल्ट्स पहनती हैं सर में और यहाँ पे कमरबंद, दैट इज़ कॉल्ड गिडल। एज्योर मीन्स ऑफ ब्लू कलर, ब्लू एंड रेड कलर टेसल। स्कैबर्ड मीन्स कवर फॉर द स्वॉर्ड्स, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। एनियन टू कम मीन्स फ्यूचर, आगे क्या प्रेडिक्शन, जो लोगों का भाग्य देख सकते हैं, जो मैजिशियन स्पेल करके भाग्य बताते हैं। एंड चैपलेट मीन्स व्रेथ्स ऑफ फ्लावर्स, यानी फ्लावर्स के फ्लावर का चादर या फ्लावर का टायर। ओके, नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइजेज, लेट्स डिस्कस द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वन बाय वन, एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। द कलर्स ऑफ टर्बन्स आर, टर्बन का कलर, फर्स्ट टर्बन का कलर क्या था, ऑरेंज ब्लू क्रिम्सन सिल्वर ब्लैक एंड वाइट, सो क्रिम्सन एंड सिल्वर। ओके, नेक्स्ट हु ग्राइंड सैंडलवुड हिना एंड स्पाइसेस, वो जो मेडन्स जो बाहर औरतें बैठी हुई थी, वो पेडलर्स मर्चेंट्स मेडन, सो मेडन इज द करेक्ट आंसर। ओके, मेडन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन, हु आर कास्टिंग स्मेल फॉर द एनियंस टू कम, यानी फ्यूचर के बारे में कौन प्रेडिक्शंस कर रहा है, भाग्य कौन बता रहा है, म्यूजिशियन मर्चेंट्स मैजिशियंस, नन ऑफ दीज, सो मैजिशियंस। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन, डैश आर नॉट मेड बाय फ्लावर गर्ल्स, आर नॉट मेड बाय, मतलब ये चीज़ फ्लावर गर्ल्स नहीं बना रही हैं। चैपलेट्स क्राउन्स स्कैबर्ड्स नन ऑफ दीज, सो स्कैबर्ड्स, स्कैबर्ड्स फ्लावर गर्ल्स नहीं बना रही हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू फिल इन द ब्लैंक्स, एक्सरसाइज बी। फर्स्ट वन, द मर्चेंट्स आर सेलिंग सिल्वर एंड क्रिम्सन कलर टर्बन्स, ठीक है, पगड़ी टर्बन इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। द मेडन्स आर ग्राइंडिंग सैंडलवुड, है ना, चंदन का वो बना रही है पाउडर, हिना का और स्पाइसेस का, राइट, तीनों चीजों को ग्राइंड कर रहे हैं स्पाइसेस। द डैश आर मेकिंग रिस्लेट्स एंड एंकलेट्स, ब्रेसलेट्स और एंकलेट्स यानी गहने कौन बना रहे हैं, गोल्ड स्मिथ्स, सो द गोल्ड स्मिथ्स। ठीक है, देन फोर्थ, द म्यूजिशियंस प्ले डैश डैश एंड डैश इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, सो सितार सारंगी एंड ड्रम, clear, all right, so I hope you have noted down the answers children, so with this we finish with the exercises, a very beautiful poem indeed which describes the beauty of Indian goods and trades, right, so we should always try to promote the Indian traditional goods and culture, so with this we come to an end with today's session, I hope that you have enjoyed today's session and you have understood the poem quite well, I will meet you again soon with a new chapter of your class 8 book. So, till that time, bye-bye and take care and stay tuned for the new video.